अमेठी जनपद के राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय में वार्षिक खेल कूद व सांस्कृतिक सप्ताह उड़ान 2023 का समापन रंगारंग सांस्कृतिक संध्या के साथ हुआ। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने भारत के विभिन्न राज्यों के गीत संगीत तथा नृत्य कार्यक्रमों से मन मोह लिया। कार्यक्रम के आरंभ में इगुरुवा के निदेशक कृष्णनंदू गुप्ता व राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय के शैक्षणिक प्रमुख डॉक्टर जी के चौकियाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम का आरंभ अनामिका पल्लवी शिखा नंदना और मेघना के रंग पूजा नृत्य से किया गया, जिसमें भरतनाट्यम तथा केरल राज्य की छाप देखने को मिली। तेजस्वी ने तेलुगु गीत पर शानदार नृत्य प्रस्तुत किया। समारोह में गुरुवा के छात्रों ने भी गीत प्रस्तुत किया। विश्वविद्यालय के शैक्षणिक प्रमुख डॉक्टर जी के चौकियाल ने इस अवसर पर विश्वविद्यालय की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त छात्रों में से 90% से अधिक छात्रों को अभी तक हवाई अड्डों तथा एयरलाइंस में रोजगार मिलता रहा है, जो कि हमारी शैक्षणिक गुणवत्ता का प्रमाण है। उन्होंने यह भी बताया कि विश्वविद्यालय के PGDO तथा PFSC के छात्र अहमदाबाद, दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ, गुवाहाटी, मंगलोर, चंडीगढ़ आदि हवाई अड्डों तथा इंडिगो, एयर एशिया, फेडेक्स आदि एयरलाइंस कंपनियों में काम कर रहे हैं। भारत के विभिन्न राज्यों के परिधान में छात्र व छात्राओं का प्रदर्शन बहुत सराहा गया। इसके अलावा तमन्ना, अंजना, अनुपमा, अमरजीत, अंजलि, गार्गी, कार्तिक, अनुभव, अनुष्का, शालिनी, आसना, जागृति, समृद्धि आदि के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों की प्रस्तुत को भी खूब सराहा गया। तमन्ना तथा आदित्य मिश्र को मिस उड़ान और मिस्टर उड़ान का खिताब भी मिला। इस वर्ष की खेलकूद की उड़ान चैंपियनशिप ट्रॉफी सरला ठुकराल हाउस ने जीती। इस अवसर पर नागर विमानन मंत्रालय के अधिकारी राजेंद्र कुमार, इगुरुवा के निदेशक कृष्णनंदू गुप्ता, संजीव बहेल, वेंकट रेड्डी, सुनीस, अभिलाष, शीतला, प्रज्वल, मनीष, अखिलेश आदि मौजूद रहे। कैमरामैन आशु सिंह के साथ राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय से मैं संदीप सिंह और आप देख रहे हैं अमेठी दर्पण। अमेठी दर्पण चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व कमेंट करें।
साइड ही पीड़े हैं और साइड अंतर है। ओड़ रहा टाइम मिला मोबाइल ये वो ब्रो वीडियो एंड सेंड क्या ब्रो नहीं सही यूज़ कर देंगे सही है अरे अरे अरे